पहला रिज्यूमे बनाने के लिए टीयर मैटर नहीं करता, ठीक है। रिज्यूमे बनाने के लिए तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी स्किल मैटर करती है, ठीक है। दूसरा, तुम्हारी स्मार्टनेस मैटर करती है, तुम्हें उसको एडिट करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन इज द की टू क्रिएट अ ऑलमोस्ट परफेक्ट रिज्यूमे, एंड ऑल्सो देयर इज नो परफेक्ट रिज्यूमे, उस चीज़ का ध्यान रखना बस। सो हाई एवरी वन, दिस इज ऋषभ ठाकुर फ्रॉम द टीम हसलर्स, और आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हम करने वाले हैं अनंत भैया के साथ, जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे टेक रिज्यूमे के बारे में। सो अभी प्लेसमेंट सीजन काफ़ी पास आ चुका है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रिज्यूमे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज जो भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसमें सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखा जाता है, उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सो वी हैव अनंत चकमुला जो कि ग्रो के अंदर इंटर्न है, राइट, एंड उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है किस तरीके से जो हमें रिज्यूमे है उसे बनाना है, किस तरीके से हम अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम एक एज ले सकते हैं दूसरे और स्टूडेंट से अगर हमारे पास कुछ टिप्स होंगी, ठीक है, रिज्यूमे बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम रिज्यूमे किस तरीके से बना सकते हैं सीखने वाले हैं, ठीक है। सो हाय अनंत भैया। Hi and thanks for having me. So okay भैया, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि as in first year student, okay, कोई इंसान अगर एक सबसे पहले इंटर्न की बात करते हैं, तो एक इंटर्न चाह रहा है कि मैं सेकेंड ईयर में किसी कंपनी में इंटर्न करूँ, तो उसको अपने रिज्यूमे किस हिसाब से बिल्ड करना है, क्या लेआउट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कितना प्रोजेक्ट्स ठीक है बनाए होने चाहिए, कैसे कैसे सेक्शंस होने चाहिए, उस बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी क्या राय है या आप क्या बताओगे? ओके, सो आई वुड से कि अगर रिज्यूमे तुम बनाने वाले हो तो देर आर टू थ्री टाइप्स ऑफ रिज्यूमे फॉर्मेट, जो मतलब इन जनरल फॉर्मेट, उसके बाद तुम कैसे भी उसको सेट कर सकते हो। लाइक देर इज अ सिंगल कॉलम रिज्यूमे एंड देर इज अ टू कॉलम रिज्यूमे, ठीक है। इफ यू आर इन अ डिजाइनिंग फील्ड और लेट्स से इफ यू आर अ डिजाइनर, तब तो तुम अपने हिसाब से रिज्यूमे बनाओ, ठीक है। लाइक अपनी चॉइस के हिसाब से जहाँ पे तुम्हारी डिजाइनिंग स्किल बिल्कुल मैक्सिमम दिखें, अच्छी दिखें, ठीक है, वो वाला रिज्यूमे बनाओ। बट इफ यू आर ए डेवलपर, बिकॉज इफ यू आर अ डेवलपर देन यू आर नॉट अ डिजाइनर, दैट्स अ फैक्ट, तब तुम्हें रिज्यूमे बनाने के लिए इंटरनेट पर ढूंढना पड़ेगा। इंटरनेट पर देयर आर मेनी साइट्स लाइक ओवरलीफ एंड नोवा रिज्यूमे, ठीक है। सो यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें दो टाइप के रिज्यूमे मिलेंगे, एक मिलेगा तुम्हें सिंगल कॉलम रिज्यूमे, एक मिलेगा तुम्हें डबल कॉलम रिज्यूमे, ठीक है। एक दो पार्टीशन, एक होगा कि सीधे ही वन बाय वन पहला एक सेक्शन, दूसरा तीसरा चौथा पाँच, दूसरा होगा कि आधे तुम्हारे स्किल्स वाला सेक्शन आधा कर देंगे और वाला सेक्शन आधा कर देंगे। प्रॉब्लम अराइजेज इज कि जो ATS स्कैनर होता है, ठीक है, वो ATS स्कैनर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज बाय मेनी बिग MNCs टू स्कैन थ्रू योर रिज्यूमे। तो वो क्या करता है, वो ना लाइन बाय लाइन स्कैन करना शुरू करता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो उसको इससे कोई मतलब नहीं होता तुमने दो कॉलम का रिज्यूमे बनाया, पांच का बनाया, एक का बनाया। एक का उसको आसान पड़ेगा रीड करने में, ठीक है, दो में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो अगर आई वुड सजेस्ट इफ यू आर अ फ्रेशर, पहली बात तो तुम्हें दो चीज़ें चाहिए, पहला तुम्हारे पास प्रोजेक्ट होने चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अब स्किल कैसे कैप्चर करनी है वो तो लाइक वैसे तो इंटरनेट में बहुत सारी वीडियोज है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इन द फर्स्ट ईयर, एंड इफ यू आर स्पेसिफिकली फ्रॉम CS ब्रांच देन स्टार्ट क्रिएटिंग सम प्रोजेक्ट्स, एंड यू नो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो एक हफ्ते दोस्तों से एक्सप्लोर करो, प्रोबेबली 21 डेज 22 डेज एक्सप्लोर करो, कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखो, इफ इट सूट्स यू वेरी गुड, इफ नॉट सूट्स यू देन मूव अवे, ठीक है। तो ऐसे लेकिन एक लिस्ट भी बना लेना कि हाँ पता चला दो महीने बाद पता तुम फर्स्ट वाले पे ही आ गए, कम से कम 7-8-10 के आसपास एक्सप्लोर करो, ऐसे में 10 करने के बाद तुम्हारे पास 10 छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे। ऑल्दो उन्हें तुम रिज्यूमे में नहीं डाल सकते, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लाइक ट्रिक राइट ध्यान रखना, राइट राइट। हाँ, सो लाइक भैया अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लाइक एज एन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स काफ़ी लोग सोचते हैं सर्टिफिकेट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रिज्यूमे में होंगे या वो सब होगा तो मेरे को काफ़ी अच्छा वो मिलेगा। सो व्हाट यू सजेस्ट कि लाइक प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स हमें क्या कितने इंक्लूड करने चाहिए अपने रिज्यूमे के अंदर? ओके, सो ठीक है, मैं भी इस फेज में था, ठीक है, कि मैं ना मल्टीपल जितने ज़्यादा छोटे सर्टिफिकेट हो पाते थे मैं कंप्लीट करता था, और देर वॉज अ टाइम जब मी एंड माई फ्रेंड काटते थे क्योंकि जल्दी जेट कैट पर भी आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास एक महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30-40 सर्टिफिकेट्स फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है, 30 मेरे पास थे, 35 के आसपास उसके पास थे,
एंड उतनी नॉलेज हमारे पास, हमने गेन भी करी थी एक हफ्ते में, लेकिन हमें समझ में आया कि यार इतने सारे सर्टिफिकेट्स का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज आधे सर्टिफिकेट्स की वैल्यू वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे मैच जनरेट करके तेरे को सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, ठीक है, क्या लिखना है, अनंत जखमुला तो लिखना है, साइन ही तो मार, कुछ भी लिख दो, ठीक है, स्टैम्प पेपर क्या कुछ नहीं, वो फालतू पड़ जी, ये होता है कि तुमने उस सर्टिफिकेट से क्या जो जो चीज तुमने करी है जिसके बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस प्रोसेस में तुमने क्या सीखा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज द स्किल यू विल रिक्वायर टू पुट इन योर रिज्यूमे, वो सर्टिफिकेट तुम कभी भी अपने रिज्यूमे में नहीं कह सकते, और रिज्यूमे बोलना चाहिए, लाइक चिल्लाना चाहिए टेक्निकली बोल, ठीक है, तो अब जब जो चीज तुम रिज्यूमे में लिख नहीं सकते, दैट मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है भी नहीं फॉर रिक्रूटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे अपन उसको हटा देंगे, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ थिंग कॉल्ड सर्टिफिकेशन, ठीक है, इफ दोज हु डोंट नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट वो होता है जो तुम्हें यूडेमी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिलता है, सर्टिफिकेशन वो होता है जिसके लिए तुम एग्जाम देते हो, एंड बाय एग्जाम आई मीन जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स कैन बी RHCS एडेप्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर CK, और AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है, गूगल और Azure सर्टिफिकेशन आर ऑल्सो देयर, ठीक है, इनकी होती है मार्केट में वैल्यू, मार्केट में वैल्यू एज इनकी तुम्हें ग्लोबली रिकॉग्नाइज करा जाता है, तुम्हारे पे एक नंबर आता है जिसे कोई भी डाल के चेक कर सकता है कि हाँ यू आर अ वैलिड पर्सन, ठीक है, बट जो सर्टिफिकेट होता है ना उसमें भले ही तुम यूडीबी में जाकर चेक कर सकते हो कि हाँ ये तुमने बनाया, ये मतलब तुम्हें अलॉट हुआ है, बट उसकी कोई सिग्निफिकेंस यूडीबी के बाहर नहीं है, ठीक है ना, वो कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, वो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, बट सर्टिफिकेशन इज अ थिंग, उसमें पूरा सिलेबस होता है, उसमें पढ़ना पड़ता है, उस चीज को रिज्यूमे में डालोगे, दैट क्रिएट्स अ मोर इम्पैक्ट, ठीक है, लाइक आई हैव सीन पीपल जिनको सिर्फ और सिर्फ उनके सर्टिफिकेशन के बेसिस पे जॉब मिली है, एंड ऑल्सो दे आर वेरी गुड विद देयर वर्क, दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट, ठीक है, अभी लाइक एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि रिज्यूमे को अच्छा होना क्यों जरूरी है, लाइक वाई we should stand out or why should we should make, और हम इतना emphasize क्यों कर रहे हैं इस video के through कि एक resume बहुत important है, तो आपके ही perspective से कि like आपने काफ़ी ज़्यादा companies में अपना resume भेजा, shortlisted हुआ, सब कुछ है, so what do you think कि resume play करता है एक first impression create करने में, आपको क्या लगता है? Okay, देखो वैसे तो facts बहुत सारे हैं कि recruiter पे 6 seconds or 10 seconds to go through your resume, बट इट इज़ नॉट द केस एवरी टाइम, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को रीच आउट कर रहे हो लिंक्डइन पे दैट प्लीज रेफर मी, और ये भी हो सकता है कि तुम किसी को रीच आउट करो कि यार क्या मेरा रिज्यूमे अच्छा, लाइक क्या मेरा रिज्यूमे वो करना चाहोगे, देखना चाहोगे, तो वो जो सामने वाला बंदा है पहला तो वो तुम्हारा रिज्यूमे क्यों देखेगा, ये चीज़ एक पॉइंट होता है, ठीक है, दूसरा अगर तुम रिज्यूमे जो अच्छा दिखने वाली जो चीज़ है ना, दैट इज़ नॉट रिगार्डिंग कि तुम कैसे सोच रहे हो, दैट इज़ रिगार्डिंग कि उस रिज्यूमे में जो जो चीज़ें तुमने लिखी हैं, ठीक है, वो पहली बात वो जेन्युइन है कि नहीं है, और वो क्लीन कितनी है, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने 11 के फॉन्ट सेट करके और जो है पूरे रिज्यूमे का पेज भर डाला A4 साइज की शीट पे, दैट इज़ नॉट द वे, ठीक है, तुम्हें अपने रिज्यूमे को क्लीन रखना होता है, और इसी के साथ साथ तुम्हें अपने रिज्यूमे में वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी पड़ती हैं विच आर यू नो रिक्वायर्ड बाय द जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड हेयर कम्स द फैक्ट कि हाफ ऑफ द पीपल डोंट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, JD पढ़ता नहीं है कोई, एंड व्हाट आई से इज़ कि तुम्हें JD पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर तुम JD नहीं पढ़ोगे प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम वो तो दे दोगे, तुम्हें पहला कॉल वो आ गया, तुम्हें टेस्ट भी दे दिया, DSA के बेसिस पर तुम्हें क्वेश्चन भी निकाल दिए, बट जब वो तुम्हारे रिज्यूमे पे आएंगे या जब वो मैनेजरियल राउंड आएगा, लास्ट राउंड आएगा, तो ना तुम कल्चर फिट पर हो सकता है एक बार के लिए फायर हो जाओ, लाइक हो सकता है सिलेक्ट ना हो बिकॉज तुम्हारा स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है, या ये भी हो सकता है तुम्हें वो स्किल सेट आता नहीं है और तुम वो करना भी नहीं चाहते थे लेकिन तुमने भर दिया कंपनी का नाम दे, अब तुम कंपनी में आ गए, अब तुम फंस गए, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा उस चीज़ को सीखने के अलावा, तो टेक्निकली तुम अब खुश नहीं हो, ठीक है, राइट, तो वो चीज़ का एक ध्यान रखना होता है। एज फार एज रिज्यूमे कम्स की कितना अच्छा दिखना चाहिए, आई वुड से जितना ज़्यादा रीडेबिलिटी रहेगी रिज्यूमे की, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी, ठीक है, जितना सेक्शन समझने में आसान पड़ेगा कि तुमने पहले ये लिखा है, स्लो होना चाहिए, कहानी बननी चाहिए एक रिज्यूमे के अंदर कि पहले ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार कि तुमने अपने
एजुकेशन टॉप पे लिख दी, ठीक है, तुमने यूनिवर्सिटी की अपनी एजुकेशन टॉप पे लिख दी, पर तुमने क्या करा, अपने 11th 12th का अगर तुम इंक्लूड कर, 11th 12th और 10th का इंक्लूड करके तुमने उसे उठाया और तुमने उसे सबसे लास्ट पे लिया, नहीं तो ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, डिसेंट मतलब किसी ऑर्डर में रखना चाहिए, या तो तुम पहले ऊपर होते यूनिवर्सिटी, देन 12th, देन 10th, ऐसा नहीं कर सकते कि आधा आधा सेक्शन उठा के अपने रख दिया, दैट इज नॉट प्लीजिंग, ठीक है, right. तो अगर कोई रीड कर रहा है, तुम खुद भी रीड करते हो, तुम्हें भी अजीब लगा कि यार यहाँ पे ये था, आप पढ़ते पढ़ते आए, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरी स्किल्स हैं, इंटर्नशिप्स की, और फिर से 12th और 10th का कोई रेलिवेंस बन नहीं रहा ऊपर वाले कंटेंट के साथ, दैट शुड मैच, राइट, ठीक है, दैट इज द की जो लाइक आई हैव टू अल्टरेट माय रिज्यूमे एटलीस्ट 8 times, 8 to 12 times इन अ सिंगल मंथ, ठीक है, और देर आर टाइम्स कि मुझे कुछ ऐसी कंपनी से भी कॉल आया था जिनमें एक्सपीरियंस 5 to 10 years का था, पर मैंने उनका इंटरव्यू दिया है, ठीक है, दैट वॉज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिज्यूम, राइट, ऑल्दो आई वॉज नॉट सिलेक्टेड बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस, बट मैंने दिया है, राइट राइट राइट, सो आई थिंक काफी सारे व्यूअर्स को पता लग गया होगा कि एक शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए रिज्यूमे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, लाइक इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स जो कि अब जॉब लेने वाले हैं, तो 4 सालों में बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न कर लेते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, जो बनाना चाहते हैं, मतलब अभी बात उनकी हो रही है, जो सही में बना लेते हैं, राइट, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि हमारे पास 2 पेजों में हम पूरा लिखें या 1 पेज में लिखें, तो वॉट यू सजेस्ट कि 1 पेज वाला रिज्यूमे ज़्यादा बेटर है कि 2 पेज वाला, वाई, लाइक क्यों अच्छा है इन दोनों में से कोई एक, क्यों? Okay, so what I would say is because there are many people, some of our friends have many achievements, okay? And those achievements are very important also, okay? So unko tum hata nahi sakte. So there are times jab tumhara resume jo hai ek page se zyada chala jayega, okay? So usme koi darne wali aisi baat nahi hai, but agar ek page se zyada ja raha hai na, to tumhe uski wo rakhni padegi, like credibility rehni chahiye ki wo ek page se zyada ja raha hai to kyun ja raha, right? Okay? वो रीज़न इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहले जब तुम फर्स्ट टाइम रिज्यूमे बनाओगे देयर इज अ चांस या तो वो बनेगा ही नहीं, वो एक पेज में भी फिट नहीं आएगा, हो सकता है वो आधे पेज में बने, ठीक है, अगर वो आधे पेज में बनता है, नाउ यू हैव टू इंक्रीज इट, तुम्हें पता चल गया सच्चाई से वाकिफ हो गए तो यार कुछ नहीं करा है करो ना, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 4 पीपल, सो आई बिलीव उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे होंगे, तो देर आर टाइम्स कि उनका रिज्यूमे 2 पेज तक चला जाना, मेरा भी 2 पेज तक गया, ठीक है, मेरे सारे फ्रेंड्स को 2 पेज तक गया, बिकॉज हमने कुछ कराया अकॉर्डिंग टू अदर पीपल, हमने कुछ करा था, ठीक है, काम, तो जब वो 2 पेज तक चला गया, नाउ इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे हम जितना कम कर सकें, जितना कंसाइज कर सकें, ठीक, कम शब्दों में अपनी बातें बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने अगर कोई प्रोजेक्ट दिखाया है उसका डिस्क्रिप्शन में 4 पॉइंट डाल, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दिया और सारे के सारे पॉइंट 3-3 लाइन के बना दिए, तो भाई आधा पेज गया, अब इसको एक लाइन में समझाना है या 2 लाइन में समझाना है, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, तो नाउ यू हैव टू रिड्यूस थिंग्स, तुम्हें थोड़े से वर्ड्स अच्छे यूज करने पड़ेंगे, तुम नॉर्मल इंग्लिश में लिख सकते हो, रीफ्रेजिंग करनी पड़ेगी सेंटेंसेस की, तब तुम्हारा रिज्यूमे रिड्यूस होते होते प्रोबेबली 1.5 पेज या 1 पेज के अंदर समाएगा, ऑल्सो यू कैन डू वन लाइक सम थिंग्स लाइक कि तुम मार्जिन थोड़ा सा कम कर दो ऊपर से या साइड से मार्जिन कम कर दो, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, दैट दोज आर द ट्रिक्स, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता लाइक यूज़ करने के लिए, ठीक है, जब तुम्हारे सारे हथियार खत्म होने लगते हैं कि हाँ यार अब इससे कम नहीं कर सकता मैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो तुम इसका साइज बढ़ा देते हो कि अब थोड़ा सा कंटेंट घुसा देते हैं, राइट, ठीक है, बट देर इज ऑल्सो थिंग कि अगर तुम्हारे रिज्यूमे का कंटेंट 1 पेज हो गया, अभी दूसरे पेज में वो 25% के आसपास या 10% कवर कर रहा है पेज का, यानी कि एक एक्स्ट्रा लाइन अगले पेज में आ रही है, उसको उड़ा दो, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, वो क्योंकि दैट इज़ नॉट फिजिबल और उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो क्या उसको एक लाइन एक्स्ट्रा टाइप कर दी तुमने कहीं पे, अगर तुम कहीं पर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो तो प्लीज़ उसे 1 पेज पर जाओ, वरना अगर 2 पेज पर जा रहा है तो फिर उसे अच्छे से ही 1.5 पेज का एलैबोरेट करो, हाँ, right. रिज्यूमे का 1 पेज वाला लॉजिक ऐसा रहता है कि यार अगर किसी ने मैनुअल स्क्रूटनी करी रिज्यूमे की, ठीक है, मैनुअली लाइक सबके प्रिंट आउट निकाल के अभी वो देखना शुरू करा, तो क्या रहेगा कि अगर तुम्हारा पेज ऐसे प्रिंट में 20-25 लोगों का रिज्यूमे एक साथ आया, तो जैसे मेरा रिज्यूमे रखा है फिर तेरा रिज्यूमे 2 पेज का है, मेरा 1 पेज, तो मेरा पहला पेज का रिज्यूमे उसने देखा अच्छा है, राइट, तेरा रिज्यूमे देखा 1 पेज हुआ, दूसरे पेज पे गया, दूसरा पेज क्या हुआ, अभी वो कहेगा अच्छा ये वाले का आपस में स्टेपल करना पड़ेगा, वो कई बार हो जाता है कि नहीं,
इसलिए एक पेज का प्रेफर करा जाता है। आई वुड से कि ट्राई करो एक पेज में आ जाए, बट अगर वो डेढ़ पेज पे चल रहा है तो रोक नहीं सकते तुम। ओके सो भैया नाउ मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन जो काफ़ी सारे रिज्यूमे मेकर बिल्डिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है, टूल्स आ रहे हैं मार्केट में बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो कैसे हैं, लाइक आप कितना प्रेफर करते हो कि हम लोगों को एक रिज्यूमे बनाना चाहिए वेबसाइट्स पे जाके, लाइक व्हाट यू प्रेफर कि एक हम डॉक्यूमेंट्स पे बनाएं डॉक पे अपना पर्सनलाइज्ड करके, या फिर जो पर्सनल टूल्स हैं जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाके बनाएं? देखो यार बोथ दी मेथड्स आर गुड, ठीक है। जो किसी वेबसाइट पे जाकर तुम बनाओगे तो उनका वो दैट इज अ बिजनेस, ठीक है, तो हो सकता है वो तुम्हें कुछ फ्री टेम्पलेट्स अलाउ कर दें कि तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैंडेट हो जाए यानी कि तुम अपनी फोटोग्राफ लगानी ही है सारे टेम्पलेट्स में, कि जब तुम्हें अपने बायो लिखनी ही है, इट्स नॉट नेसेसरी जब तुम अपना रिज्यूमे सबमिट करते हो, बिकॉज ATS स्कैनर में फोटो इज लाइक जिब्रिश, ठीक है, वो ASCII कैरेक्टर्स में कुछ भी रीड करेगा, फोटो रीड नहीं करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो लॉजिक खत्म हो जाता है कि यार क्या फ़ायदा, तुम्हारा एक्स्ट्रा स्पेस भी वेस्ट हो गया। जब तुम्हारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, यार अभी फिट करना है, तब तुम आई वुड सजेस्ट कि तुम जाओ किसी साइट पर खुद ही टाइप करके बनाओ रिज्यूमे, क्योंकि तुम्हें उससे ना ज़्यादा फ्रीडम मिलती है चीज़ों को एडिट करने की, तुम चीज़ें बोल्ड कर सकते हो सकता है कि तुम जिस वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हो ऑटोमेटेड जो कोई वेबसाइट है वहाँ पे काम ना हो रहा हो, पॉसिबली ना हो कि मेरे को बीच का कोई वर्ड या बीच का कोई परसेंटेज का कोई वैल्यू मेरे को ना बोल्ड करनी है, ठीक है, वो वहाँ पे अलाउड ही ना हो, तुम ट्राई कर रहे हो ना हो, ठीक है, बट जब तुम खुद का रिज्यूमे बनाने बैठते हो टाइप करना बैठते हो या वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना रहे हो या ओवर लीफ पे बना रहे हो, तब तुम्हारे पे फ्रीडम होती है, दैट फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जितनी ज़्यादा तुम्हारे फ्रीडम होगी तुम्हारे रिज्यूमे एडिट करने की उतना ज़्यादा तुमको ऑप्टिमाइज कर पाओगे। राइट, सो अगर मैं किसी टूल के बारे में पूछूं आपसे, लाइक अगर बेस्ट कोई टूल हो जिससे बना सकते हो तो आप बताओगे? देयर इज अ टूल, आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज करा था, नोवो रिज्यूमे, आई थिंक देयर इज अ साइट कॉल्ड नोवो रिज्यूमे। आप डिस्प्ले कर सकते हो अपने स्क्रीन को सो दैट व्यूअर्स कैन सी? ओके, वन ऑफ द फ्री साइट्स कैन बी नोवो रिज्यूमे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट फ्री है, कुछ इसका तुम्हारा जो मतलब काम हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई बिगिनर है उसका काम आराम से हो जाएगा। सो अगर हम रिज्यूमे के टेम्पलेट्स पे जाएंगे या फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, तो जैसे मैं कह रहा था कि फोटो की वजह से स्पेस बहुत ख़राब हो रहा है, जैसे सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो ये फोटो वाला नहीं चाहिए, पहला वाला रिज्यूमे इज क्वाइट गुड, ठीक है, ये रजिस्टर कर लेना तुम लोग, ठीक है, ऋषभ देखो, राइट आप लोग रजिस्टर कर देना। सो आपको एक टूल पता चल गया अभी नोवो रिज्यूमे, उसमें जाके आप देख सकते हो। सेकंड वन इज दिस, सम ऑफ दी रिज्यूमे जो मैं रिकमेंड करूँगा अगर तुम्हें यूज ही करना है तो, ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, तो एक ये वाला है मोहित बी सरवाई या के नाम से, ये तुम्हें नॉर्मली सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा ओवरलीफ पे, बट ओवरलीफ का थोड़ा सा अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें थोड़ा कोड करना पड़ता है यानी कि लेटेक्स में कोड करना पड़ता है अगर, और इतना मुश्किल नहीं है, बुरी बात भी यही है, ठीक है, क्योंकि कोई बार फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इस बार रिज्यूमे ये सिंगल कॉलम रिज्यूमे है, इसमें क्या कर रखा है काफ़ी क्लीन रिज्यूमे बना रखा है, तो अगर जैसे हम ऊपर से देखना शुरू करें इसको तो पहले तो तुम्हारा नाम आ जाएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और नाम बोल्ड में लिखा हो तो इट क्रिएट्स अ इम्पैक्ट ऑन दी रिव्यूअर एज़ वेल। नीचे सिंस इसमें अपना एड्रेस डाला हुआ है, एड्रेस इज नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है, योर ईमेल आईडी इफ यू आर इन टेक, ठीक है, मैं टेक पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इफ यू आर इन टेक तुम्हारी ईमेल आईडी, तुम्हारा लिंक्डइन, तुम्हारा गिटहब, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम्हारी वेबसाइट है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें यहाँ पे शो करनी है, एंड योर फोन नंबर एज वेल, ठीक है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि लाइक फर्स्ट ये पूरा एड्रेस वाला कॉलम हटा के वहाँ पे एक एक करके सारे सेक्शंस दे सकते हो, ठीक है, विद देयर हाइपरलिंक्स अटैच्ड, ठीक है, तो पहले तुमने अपना गिटहब डाल दिया, देन तुमने अपनी वेबसाइट डाल दी, एंड नाउ नीचे तुमने अपना नंबर डाल दिया एंड योर ईमेल आईडी एज वेल। अब वो सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट होनी चाहिए कि उस पर क्लिक करते ही दैट शुड बी हाइपरलिंक, कि अगर तुम्हारा गिटहब है तो गिटहब पर क्लिक करते ही वो गिटहब पर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ईमेल पर क्लिक करते ही वो ईमेल लाइक खुल जानी चाहिए, आउटलुक लाइक ऑटोमेटिक ईमेल पर चले जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेक्शन अगर हम देखेंगे, इट्स अ वेरी गुड सेक्शन है, ठीक है, ओके ओके, हाँ, तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा भरना था रिज्यूमे तो यूज कर लिया, बट आई वुड से इतना नेसेसरी नहीं होता ऑब्जेक्टिव,
ठीक है, क्योंकि तुम ऑब्वियसली जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उन्हें पता ही है कि हाँ लाइक अगर आप हम टेक रिज्यूमे का रिव्यू कर रहे हैं तो कैन यू शो द टेक्निकल रिज्यूमे ऑफ लाइक जो बिल्कुल परफेक्ट हो, लाइक हम उसका रिव्यू कर सकते हैं? ओके, देयर इज नो परफेक्ट रिज्यूमे टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, देयर इज नो परफेक्ट रिज्यूमे, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज मिस रह ही जाएगी, पर जरूरी नहीं है तुम्हारा परफेक्ट रिज्यूमे हो तब भी तुम्हें कंपनी से कॉल आ ही जाए, ठीक है, okay, okay. कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो तुमसे बेटर निकले, ठीक, तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट नेसेसरी, आ सकते हो, ओमिट कर सकते हो पूरा, अगर भरना ही है तो भर लेना, ठीक है, अगर थोड़ा कम चीज़ें हैं तुम्हारे रिज्यूमे तो भर निकले ले सकते हो, ना इट इज़ नॉट नेसेसरी। एजुकेशन शुड बी ऑन टॉप, बिकॉज जहाँ पे तुम रिसेंटली पढ़ रहे हो वो लिख लो। आफ्टर दैट अगर जो तुम्हारी ये मार्क लाइक जैसे तुमने यूनिवर्सिटी का अपना मेंशन करा, जैसे इसने मेंशन करा है अगस्त 2012 टू प्रेजेंट, ऐसे तुम मेंशन कर सकते हो अगर तुम करेंटली पढ़ रहे हो, अगर पास आउट हो तो ऐसे ही लिख के 2021 या 2020 जो भी है तुम्हारा ये पास आउट लिख कर, पास आउट पर मेंशन करना है। उसके बाद जैसे इसने ट्वेल्थ डिग्री करी है, बट हम लोगों ने करा है, हमने ट्वेल्थ करा है और फिर हमने टेंथ करा। अब देयर इज अ डिलेमा कि यार इसके नंबर डाले जाएं कि ना डाले जाएं। अगर अच्छे हैं, बहुत आसान बता रहा हूँ, बहुत अगर अच्छे हैं नंबर तो डाल दो, नहीं है मत डाल दो, ठीक है। स्किल्स वाला काफ़ी अच्छा कॉलम बना रखा है, ठीक है, कि स्किल्स इंटरेस्ट वाला इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, तुम इसमें मेंशन कर सकते हो टूल्स, किस टाइप के टूल्स पर तुमने काम करा है, टेक्नोलॉजीज पर तुमने काम करा है, क्या तुम्हें आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, या तो स्किल्स वाला सेक्शन होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ हम जब रीड करते हैं कॉपी तो भी हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, कि पहले हमने नोटबुक भी अगर मतलब कोई बुक भी पढ़ रहा पहले ऊपर से शुरू करते हैं ना, फर्स्ट लाइन चार सेक्शन अगर हैं तो इधर से शुरू करते हो पढ़ना, ठीक है, पेज के कॉर्नर से, जैसे ऑब्जेक्टिव देन रिसेंटली ग्रेजुएटेड मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियर, ऐसे पढ़ना शुरू करते हो, ऐसे तो नहीं करते ना कि स्किल थिंकिंग प्रोसेस एंड एबिलिटी सॉल्विंग, ऐसे नहीं करते, ठीक है, तो उसी फॉर्मेट मतलब उसी तरीके से भी तुम्हारा जो एचआर या पीए होता है वो भी वैसे ही रीड करते, तो तुम्हें भी उस चीज़ का ध्यान रखना। अब स्किल्स एंड इंटरेस्ट है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तुम भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म तुम्हें जैसा सही लगे। आफ्टर दैट अगर तुम्हारी इंटर्नशिप्स है तो फर्स्ट इंटर्नशिप्स या तुम्हारी रिसर्च पेपर है तो पहले वो मेंशन करो, ठीक है, स्किल्स के बाद डायरेक्टली वो मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे इसने प्रोजेक्ट मेंशन करे हुए, ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम जो भी है, उसके बाद कब से कब तक करा उस पर काम, ठीक है, ये भी तुम्हारे में उसमें आएगा, लाइक जो सबसे रिसेंटली और सबसे पहले, जो उससे लेट है वो उसके नीचे, जो सबसे पहले करा था, लाइक जितना पुराना है वो उतना नीचे जाएगा, ठीक है, तो जितना लेटेस्ट है वो उतना ऊपर की तरफ रखा अपने प्रोजेक्ट में। अब जैसे इस प्रोजेक्ट में क्या है, इसमें ना 5 पॉइंट लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि तुम भी 5 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, बट ट्राई कि उस 4 पॉइंट्स में ना पहला तो एक कोई ना कोई क्वांटिटी हो, लाइक क्वांटिफाइबल कोई वैल्यू हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने AICTE के लिए काम करा था, ठीक है, आई वाज इंटरनेट AICTE, सो हमने मैंने जिस चीज़ में जिस इंटर्नशिप पॉलिसी पे काम करा था दैट इज बीन इंक्लूडेड इन मोर देन 6,000 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, देयर इज अ वैल्यू कॉल्ड 6,000, ठीक है, तो मैं वो इंक्लूड कर सकता हूँ फर्स्ट टाइम, दैट इज अ क्वांटिफाइबल वैल्यू बिकॉज इन ATS दैट थिंग मैटर्स। आफ्टर दैट तुम अगले पॉइंट भी मे बी लिख सकते हो कि अच्छा ये टेक्नोलॉजीज मैंने यूज करी है प्रोजेक्ट में, ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मत रखना, मैं बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो सारा नहीं लिखना होता है इसमें, तुमने क्या करा, ठीक है, कैसे करा पूरा ब्रीफ में नहीं, हल्का सा, ठीक है, जिस देने के लिए, फिर उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी थी वो मेंशन कर सकते हो, और इसके ही जैसे ये जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का जो नाम लिखा हुआ है उसी को तुम हाइपरलिंक की तरह क्रिएट करके अपने गिटहब से लिंक कर सकते हो, ताकि किसी को अगर देखना हो तुम्हारा प्रोजेक्ट वो तुम्हारे गिटहब से देख सकते, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स पीपल चेक कि तुमने क्या काम करा है, और ये भी नहीं कि तुमने अच्छा एक दिन पहले सबमिट करा है रिज्यूम तो उसी दिन सारे प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, गिटहब की हिस्ट्री दिख जाती है सामने, ठीक है, एंड इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट इज लाइक योर लाइफ, तुम्हें गिटहब ही यूज करना है, ठीक है। इसने इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग्स लास्ट में लिखी है, ठीक है, तुम्हारी अगर इंटर्नशिप्स है करीबी तो तुम ऊपर लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट यहाँ पे उसका रिज्यूमे खत्म हो गया था, बट हम लोग इसमें एक दो सेक्शन और इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि तुम अचीवमेंट्स डाल सकते हो अपनी, या फिर तुमने कहीं पे जो है
लीडरशिप पोजीशंस पे रहे हो या तुम्हारे जो क्लब्स वगैरह उसके पार्ट रहे हो या तुमने कोई कंपटीशन जीता है अच्छे लेवल पे, ठीक है, लेकिन कि स्कूल ने कोई कंपटीशन जीता था वो नहीं रखना, वो इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, मतलब अनलेस और अंटिल बहुत ही मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई हो कि यार कुछ बचत नहीं रहा है, मतलब कुछ है नहीं लिखने के लिए, तब तक मत करना। टेक्निकली ज़्यादा साउंड करना है रिज्यूमे के थ्रू, ठीक है, ये मतलब कि आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल फलाना, मतलब इतनी सारी चीज़ें, दैट इज़ गुड, पर वो एक लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं दो तीन तीन चार में नहीं ख़त्म करना चाहिए, वो एकदम लास्ट लाइन में, ठीक है। अचीवमेंट्स वगैरह लिख सकते हो तुम अपनी, यार मेरे को यहाँ से ये मिला है, या आई वॉज दी स्कॉलर, ठीक है, मैंने जी सॉप करा है, तो उनको थोड़ा एक इम्पैक्ट आता है उसमें। और देर इज वन मोर रिज्यूमे जो मैक्सिमम कॉलेजेस में बोला जाता है, ठीक है, ये है IIT का रिज्यूमे, देर इज नो प्रॉब्लम विद दिस रिज्यूमे, प्रॉब्लम इज कि इफ यू आर हैविंग मेनी थिंग्स टू राइट, आई वोंट से दिस रिज्यूमे हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट ऊपर पांच छह लाइन तो खराब हो गई और दूसरी साइड का स्पेस भी खराब हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर लिखने के लिए कुछ बचा है तो तुम कैसे लिखोगे उसको, ऐसे इस तरह से लिखोगे जैसे उसमें लिखा हुआ। ये रिज्यूमे जब भी बना होगा तो ये लाइक प्रोबेबली काफ़ी टाइम पहले बना होगा जहाँ तक मुझे लगता है। एंड नाउ ये जो टेबल्स हैं, टेबल्स वाला फॉर्मेट अब थोड़ा हट गया है, ठीक है, अब वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं होता है, तो तुम उसे हटा सकते हो। इसके अलावा लाइक इफ समवन आस्क मी कि इस रिज्यूमे को प्रेफर करना चाहिए, आई वुड से डोंट गो फॉर इट, ठीक है, there is no problem with this resume, but don't go for it because maximum students will go with this resume, ठीक है, thinking कि यार चीज़ें इसमें लिख कर डाल देते हैं IIT का नाम है तो मतलब हो ही जाएगा, ठीक है, उनके resume से match हो जाएगा, वो नहीं करना, ठीक है। तुम्हारा resume clean होना चाहिए, clean resume की category से थोड़ा बाहर चला जाता है कभी कभी, मैंने देखा है बच्चों का teachers का resume कभी कभार, ठीक है, जो उनके LinkedIn पे होता है, तो this thing don't work। सो आई थिंक अभी आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके से रिज्यूमे बनाना है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मैं नीचे अनंदिया का लिंक्डइन मेंशन कर दूंगा, लिंक में दे दूंगा, आप एक बार उनसे चेक भी करा सकते हो, ओके। सो अगर किसी को कोई अपने रिज्यूमे को चेक कराना चाहता है, देखना चाहता, दिखाना चाहता है, तो आई थिंक भैया आप हेल्प कर दोगे ना? हाँ ठीक है, मतलब ऋषभ का नाम लेके आएगा तो हाँ कर दूंगा। राइट, सो अगर आप मेरा नाम लेके आते हो, ठीक है, और बताते हो कि भैया मेरा रिज्यूम एक बार चेक कर लो, ठीक है, तो आपको जो है भैया चेक कर देंगे, बता देंगे। राइट, सो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, आपको समझ में आया होगा रिज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा आपको किस तरीके से रिज्यूमे बनाना है, ठीक है, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिग लाइक देना, ठीक है, और कमेंट करना और शेयर कर देना इस वीडियो को प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि अभी करेंटली अपना रिज्यूमे से मतलब परेशान है कि कैसे बनाए, राइट, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ओके। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल डिस्कशन चाहिए और ज़्यादा, लाइक अगर अनंत भी आपकी हेल्प करें, सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड ग्रुप जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, राइट, सो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं अगर डिमांड आई तो विल हैव अनदर सेशन जिसके अंदर हम पर्सनलाइज्ड करा रहे होंगे रिज्यूमे को, राइट, सो ये भी कर सकते हैं। सो बिग थैंक्स टू अनंत भैया फॉर कमिंग टू दिस वीडियो, एंड काफ़ी अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से बात बताई, मेरे को भी पर्सनली काफ़ी सारी चीज़ें नई जानने को मिली, एक फ़ोटो वाली बात मेरे लिए बहुत नई थी कि उसको इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है, सो थैंक्स फॉर दैट। देखो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, एंड मैं रिज्यूमे पिछले दो साल से बना रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकली, ठीक है, एंड रिज्यूमे बनाने, देखो दो चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, पहला रिज्यूमे बनाने के लिए टीयर मैटर नहीं करता, ठीक है, रिज्यूमे बनाने के लिए तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी स्किल मैटर करती है, ठीक है, दूसरा तुम्हारी स्मार्टनेस मैटर करती है, तुम्हें उसे एडिटेट करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन इज द की टू क्रिएट अ ऑलमोस्ट परफेक्ट रिज्यूमे, एंड ऑल्सो देर इज नो परफेक्ट रिज्यूमे, उस चीज़ का ध्यान रखना बस, बाकी तो एंड हाँ, अगर हो सकता है कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी, तुम्हारे कॉलेजेस या तुम्हारे इंस्टीट्यूट्स में तुम्हें बोला जाए कि लाइक यूज दिस रिज्यूमे ओनली, ठीक है, तो उनको हाँ बोलना और वो वाले रिज्यूमे को उसी उनके लिए ही रखना, जब वो मांगे तब दे देना, बट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद योर रिज्यूमे, ठीक है, मतलब बना के डाल के रिजेक्शन आके फिर देखना पड़ेगा कि हाँ यार नहीं काम करा, अभी इसको चेंज करके फिर से डालेंगे, ठीक है, जस्ट
क्या बोलते हैं इंटरनल इन्फॉर्मेशन, मेरे पास 500 से ज्यादा रिजेक्शन है, ठीक है, इतना ज्ञान देने के लिए. तो दैट इज अ थिंग जो बहुत टाइम लगा के करी हुई है. रिजेक्शन मीन्स कि यार मतलब 500 इंटरव्यूज नहीं दिए बट 500 बार एटलीस्ट अप्लाई कर चुका हूँ मैं, जहाँ से मेरे को अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सिलेक्टेड वाला टेम्पलेट आ चुका है. ठीक है, 3 बार तो सेम कंपनी से, टू बी प्रिसाइज 4 बार. और आई थिंक उसका नाम बताएंगे कभी, सही है, कभी चिट-चैट हुई थी. बिल्कुल बिल्कुल. सो थैंक यू वंस अगेन भैया, एंड इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं. टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय. Lit. Roll up to the party, roll up to the party.